ग्वालियर में बैंक से पैसे निकलवा कर लौट रही महिला से लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लुटेरों सहित लूटा गया बैग बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर स्थित यूको बैंक से एक महिला रिंकी भदौरिया पैसे निकालने गई थी। बैंक से पैसे निकालने के बाद जब वह घर जा रही थी तभी पीछे से दो बाइक सवार बदमाशों ने झपट मारकर उनका रुपया से भरा बैग लूट कर मौके से फरार हो गए थे। लूट की घटना के बाद रिंकी ने घटना की शिकायत पुलिस से की। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी मदद से 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बदमाशों को अपनी हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार आरोपियों से महिला से लूटा हुआ बैग और उनमें रखे 20,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। हजीरा थाने पर फरियादी रिंकी भदौरिया जो है उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि वो बैंक से पैसा निकलवा के आ रही थी और दो अज्ञात बदमाशों ने पीछे झपट्टा मारकर उनका बैग छीन कर ले गए, उसमें 20,000 रुपये थे। उनकी रिपोर्ट पर से तत्काल हजीरा पुलिस द्वारा VNS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और गंभीरता से विवेचना की गई। 24 घंटे के अंदर दो आरोपियों को पुलिस ने जो CCTV फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई और जो बैग लूट के ले गए थे और जो रुपए लूट के ले गए थे वो रुपए बरामद किए। इस प्रकार हजीरा पुलिस द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के अंदर लूट का मसरूखा और लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है।